इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की रायबरेली से आ रही है। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। छेड़खानी का विरोध करना युवती को महंगा पड़ गया। दबंग युवक ने घर में घुसकर युवती पर किया चाकुओं से हमला। गंभीर हालत में सीएचसी से अस्पताल रेफर। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के किशोरदासपुर गांव की घटना। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भारत टीवी सबसे पहले आपको दिखा रखा है। खबर यूपी के रायबरेली से आ रही है, जहां दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल छिड़खानी का विरोध करना एक युवती को इतना महंगा पड़ गया कि उस दबंग युवक ने घर में घुसकर युवती पर चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में सीएचसी से उस घायल युवती को अस्पताल रेफर कर दिया गया। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के किशोरदासपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दबंगों के हौसले बेहद बुलंद है। क्या हुआ है? किसने? क्या किस लिए मार रहे चाकू से? अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? नाम है आपका? क्या घटना हुई है? सर हम लोग खेत में आलू बन रहे थे, हमारी लड़की घर पे अकेली थी, उसने जब हमने छेड़खानी करने की कोशिश की जबरदस्ती, लड़की को चाकू मार के बाहर गए। कौन लोग हैं? बबलू सिंह। कहाँ के? हमारे गाँव किशोरदासपुर। सर एक युवती आई है, क्या है पूरा मामला? कैसे? एक 19 साल की बच्ची कामली नाम है और इसके पिताजी का नाम संतोष है और ईश्वरदासपुर के रहने वाली है, थाना ऊंचाहार की, और वहाँ से रेफर आई थी केस को। बाकी इसको अटेंडेंस से पता चल करने पे कि किसी ने चाकू मारा है। बाकी एग्जामिन करने के बाद यही पता चला कि उसके पेट में थोड़ा सा एक माइनर सा बहुत माइनर सा चोट है। बाकी ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा मुझे चाकू का है, फिर भी एक जाँच का विषय है, जाँच करने के बाद ही पता चल पाएगा। ये पुलिस का काम है आगे फर्दर। बाकी हमने एडमिट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है।